गवर्नमेंट में शामिल दो दल जीतन राम मांझी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि क्लासिफिकेशन हो, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी चाहती है कि ये नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मना कर रही है कि अभी ये ऐसा कोई इरादा नहीं, हमने क्लियर कर दिया है। और इसकी सफाई आपने सुना, अभी मिनिस्टर भी दे रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल ने भी दी, कई सारे और नेता दे रहे हैं। कांग्रेस इसके समर्थन में है लेकिन डिबेट में आने से बच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी नहीं आई, हमने दोनों दलों को ही बुलाया था कि आइए अपना अपना पक्ष रखिए, लेकिन दोनों नहीं आए। तो ये दर्शकों को क्लियर होना चाहिए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस डिबेट से बच रहे हैं, जबकि ट्विटर पे और बाकी जगहों पे वो बातचीत कर रहे हैं। वाजपेयी जी, क्यों नहीं आप लोगों को ये फैसला पसंद आ रहा जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का पहले बात तो बड़ा क्लियर कर दें कि फैसला इन ए सेंस किसी तरह का कोई बाइंडिंग नहीं है सरकार की, क्योंकि इट इज नॉट, कहीं उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। इट इज ए आंसर टू द रेफरेंस व्हिच वाज रेफर्ड बाय 5 जजेस बेंच टू द सुप्रीम कोर्ट 7 जजेस बेंच। तो 7 जजेस बेंच ने जो है वो रेफरेंस का आंसर दिया है, और रेफरेंस का आंसर देते देते उसमें ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन जो है उस पर हमें बहुत ऐतराज। अब उसमें जैसे एक जगह ऑब्जर्वेशन आई है रेफरेंस के आंसर में कि क्रीमी लेयर की बात उन्होंने की है कि क्रीमी लेयर एप्लीकेबल होना चाहिए, चाहे अलग है डायरेक्शन हो तो वो मैंडेटरी हो जाती है कि गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। लेकिन इस तरह की ऑब्जर्वेशन आने से हमको कहीं ना कहीं ये अंदेशा होता है या हमको ये शक और शुबा होता है कि कल को अगर किसी सरकार ने उन ऑब्जर्वेशन के माध्यम से अगर कोई छेड़छाड़ करनी चाहे तो कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। क्रिमिनल लेयर के बारे में उन्होंने कहा कि इंदिरा सानी का केस जो 11 जजेस का फैसला है 1993 का मंडल वाला, उसमें उन्होंने क्रिमिनल लेयर की बात को शुरुआत करके उसको वहीं छोड़ दिया था। इसी तरह सब कैटेगराइजेशन की बात करके ओबीसी में तो लागू कर दी, लेकिन एससी एसटी के मामले में उसको वहीं छोड़ दिया था। अब कानूनी सवाल ये पैदा होता है, 11 जजेस का वो आंसर नहीं था, वो फैसला था। तो 11 जजेस के नहीं, वाजपेयी जी, 11 जज, 7 जज से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब वो 7 जज, मतलब एक जज का भी फैसला दे, वो समझाइए मुझे। मैं उसमें भी आ रहा हूँ, टेक्निकलिटी समझा रहा था, उसमें भी आ रहा हूँ। सब कैटेगराइजेशन या क्रीमी लेयर क्यों होना चाहिए, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है और किसी तरह का कोई लॉजिक नहीं है। बिकॉज रिजर्वेशन मिला क्यों था? रिजर्वेशन मिला था ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के ऊपर, कि छुआछूत है, सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, गरीबी इसका कोई पैरामीटर नहीं है। समाज में जो छुआछूत का प्रचलन था उस वर्ग को समाज के बराबर वर्ग में लाने के लिए ये व्यवस्था एक करी गई थी। और आज 70 सालों के बाद भी इस व्यवस्था से कितने लोगों को या कितनी कास्ट को फायदा पहुंचा है, ये डाटा का विषय है। और जो डाटा और स्टैटिस्टिक्स कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी ऑथराइज कमीशन या किसी ऑथराइज एजेंसी ने नहीं रखे। सब कैटेगराइजेशन करने का मतलब है एक जमात को, एक पिछड़ी जात के लोगों को जिनको की संवैधानिक व्यवस्था के तहत रिजर्वेशन मिलकर, उनको कैटेगराइजेशन करके आप उसको डिवाइड करना चाहते हैं। आप कैसे, क्या क्राइटेरिया है कि उस जात के साथ हो रहा है, इस जात के साथ नहीं हो रहा? इकोनॉमिकली नहीं है। देखिए, इसमें समझना होगा फर्क के, इसमें जो रिजर्वेशन सोशली बैकवर्ड एंड एजुकेशन है, इकोनॉमिकली वर्ड नहीं है उसमें। इकोनॉमिकल वर्ड जो आया है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, अभी बाद में ये जो कानून आके बना है वो बात की पड़ता है। लेकिन इस तरह की कैटेगराइजेशन या इस तरह का क्रीमी लेयर को, प्रस्ताव को अगर कभी खुदा न खास्ता कोई सरकार अगर लागू करना चाहे अंडर द गार्ब ऑफ सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस आंसर, तो वो अंदेशों को रोकने। लेकिन वाजपेयी जी, एक चीज बताइए, उसी एससीएसटी के ही के अंदर जो बहुत सारी जातियां हैं उनको तो इसका कभी लाभ ही नहीं मिला है। इसी प्रमाइस पे तो ये फैसला आया, या ऑब्जर्वेशन जो भी आप कह रहे हैं, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई फ़ायदा नहीं मिला इसका। कुछ लोग फ़ायदा उठा लेते हैं क्योंकि वो बढ़ गए तो फ़ायदा ज़्यादा उनको मिल रहा है, तो उनको कैसे फ़ायदा मिलेगा? ये एक तरीका हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन बनाया जाए उसके अंदर। धीरे जी, उसका मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा।
जैसे एक क्या है कि क्वांटिफाइबल डाटा होना चाहिए। एक नागराजन का केस था सुप्रीम कोर्ट का, वो भी 5 जजेस का है, उसमें रिजर्वेशन का इश्यू डिस्कस हुआ। तो अल्टीमेट उसका कंक्लूजन ये कि जब तक स्टेटों के पास, राज्य सरकारों के पास क्वांटिफाइबल डाटा नहीं होगा तो आप रिजर्वेशन का कोटा अप्लाई नहीं करेंगे। तो वो मैकेनिज्म की बात तो आप कर सकते हो कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि किस जात को मिला, किसको नहीं मिला, या किस जात को क्यों नहीं मिला, या उसके लिए क्या पैरामीटर। क्वांटिफाइबल डेटा अगर है, अगर क्वांटिफाइबल, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आप ये राज्य सरकारों के जिम्मेदार है कि वो डेटा इकट्ठा करें, जांच करें कि किसको मिला किसको नहीं। अगर क्वांटिफाई हो जाए तो आप एग्री कर रहे हैं? क्वांटिफाई अगर होगा, क्वांटिफाई स्पेसिफाइड होगा, कैटेगराइज होगा और उसमें मॉडिफिकेशंस करके अगर किया जाएगा तो उसमें हमको एतराज नहीं है। लेकिन ब्लैंकेट विदाउट एनी डाटा, नहीं ब्लैंकेट, ब्लैंकेट तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कह रहा है। वो तो ये कह ही रहे हैं कि ये सरकारें, राज्य सरकारें तय करें, बताएं, डेटा निकालें, जांच करें उनकी कि कहां किस सरनेम को, मैं इजी लैंग्वेज समझने के लिए लोगों को, कि इनको नहीं मिला है फ़ायदा एकदम, या किसी ने बहुत ज़्यादा ले लिया है, और उसके हिसाब से जब डेटा आपका बन जाए, जब आप क्लासिफाई कर लें, जब आपके सामने एक क्लियर पिक्चर हो, तब आप इसको इम्प्लीमेंट करें। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं देखिए, इसमें इंटेंशन का सवाल है, सवाल इंटेंशन। देखिए आप फिर बात बदल रहे हैं, अभी आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आप कह रहे हैं इंटेंशन, बताइए क्या इंटेंशन आएगा? बिल्कुल आएगा उसमें, क्योंकि 70 सालों में इस रिजर्वेशन को कहां पहुंच पाए। अगर 90 सेक्रेटरीज में 3 सेक्रेटरी अगर है दल एससी एसटी और ओबीसी का एक मिला के शायद, तो उसके उसका क्या आउटपुट क्या निकला? जो रिजर्वेशन की इंटेंट थी क्या वो लागू हो गया पूरी तरीके से? तो आंसर आएगा कि नहीं। तो अभी एक अचीव नहीं किया हमने टारगेट, और आप दूसरी छेड़छाड़ करके सब कैटेगराइज कर दो, मतलब उसमें डिवीजन कर दो, जिससे कि ये इकट्ठे होके अपनी आवाज को बुलंद ना कर सके, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसकी डिमांड ना कर सके, ये कहां तक जायज होगा? इसीलिए हम इसको अपोज कर रहे हैं। और भारत बंद हुआ। अब आप एक चीज पे टिके रहिए कि ये कतई नहीं होना चाहिए, चाहे क्वांटिफाइबल हो चाहे ना हो। अभी आप ये मान लो, है ना, पहले आपने कहा क्वांटिफाई करें तो हो सकता है, अब वो वाली बात खारिज। चलो अच्छा हुआ यहीं पे क्लैरिफाई किया आपने। सतीश प्रकाश जी, आपको क्या लगता है, ये होना चाहिए? बहुत सारी ऐसी जातियाँ जिनको कोई फ़ायदा नहीं मिला आज तक, बहुत ही गरीब हैं बेचारे, उन मतलब वो इतने परेशानी में है कि उनकी आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं है, सुनने की बात छोड़िए आप, तो उनको क्यों नहीं अपलिफ्ट करने के लिए एक तरीका अपनाया जा सकता जो ये है? नहीं देखिए वाजपेयी जी, अगर हम तमाम दलितों की मनोस्थिति को देखते हैं, इस देश में स्थिति देखते हैं, तो उनके ऊपर एक धारणाएं बनाई जाती है बिना आंकड़ों के, बिना तथ्यों के, तथ्यविहीन चर्चाएं चली जाती है कि किस जाति का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, किस जाति का रिप्रेजेंटेशन कम है। देखिए अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये लगता है कि कुछ जातियां छूटी हैं, तो उनको निर्णय देने से पहले बाकायदा राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये आदेश जारी करना चाहिए था कि हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं और इस व्यवस्था को बनाने के लिए हमको साक्ष्य चाहिए, और वो साक्ष्य राज्य सरकार, केंद्र सरकार बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय पहले दिया। देखिए कहीं ना कहीं एक आम जनमानस व्यक्ति को ये लगता है कि क्या इसके बाद इस देश में न्याय व्यवस्था मिट जाएगी, इसके बाद में और लोग जज नहीं बन पाएंगे? आप पहले साक्ष्य जुटाइए, आप डिसीजन ये दे रहे हैं, आप निर्णय पहले दे रहे हैं और साक्ष्य बाद में। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सतीश जी लेट मी करेक्ट यू सर, प्लीज समझिए पहले कोर्ट ने क्या कहा है। अभी आप देखो वकील बैठा, बाजवी जी बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के, बहुत ही सीनियर लॉयर। कोर्ट ये कह रहा है कि पिछड़ेपन की, सामाजिक पिछड़ेपन की पहचान करें सरकारें, फिर वो विशेष प्रावधान कर सकती हैं आरक्षण के लिए, सब कैटेगरी बना सकती हैं वो, और कोटा के अंदर एक कोटा, ये क्वालिटी के विरुद्ध नहीं है, समझिए आप इस बात को। ऐसा नहीं कि कोटा के अंदर कोटा बन गया तो जो पहले जिनको मिला तो उनको मिलेगा नहीं, वो ये थोड़ी कह रहे हैं, उनको ही मिलेगा। कोर्ट ये कह रहा है कि आप खुद तय करिए, कोर्ट ने फैसला थोड़ी दिया कल से लागू हो जाएगा। अच्छा, कोर्ट ने किसी सरनेम को, किसी जाति को ये भी नहीं कहा कि ये बहुत बेनिफिशियरी है, लेकिन ऐसा देख के लगता है कि ऐसा हुआ होगा। अगर आप ये भी नहीं मानते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो फिर इसका मतलब आरक्षण व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है, आप ही लोग उसकी आलोचना करते हो कि आरक्षण व्यवस्था खराब चल रही है, कहीं तो गड़बड़ है ना सर? सतीश जी नहीं देखिए वाजपेयी जी, आप मेरी बात को समझिए।
मैं एक आम जनमानस को क्या महसूस होता है,